दोस्तों, आपने भारत के राष्ट्रीय पर्व रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारतीय सेना के शूरवीरों को अपनी फुल डेकोरेटेड यूनिफॉर्म्स पहने हुए देखा होगा। उनकी यूनिफॉर्म को बहुत से सम्मान जैसे बेरे, लैनियार्ड, बेल्ट और बैज आदि से सजा हुआ देखा होगा। उन तमाम सामानों में लैनियार्ड भी एक जरूरी अंग होता है। लेकिन क्या आप लैनियार्ड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको लैनियार्ड और उससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे ऐसे ही रोमांचक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि लैनियार्ड होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। लैनियार्ड शब्द वास्तव में फ्रांसीसी शब्द लानियरे से आया है, जिसका अर्थ है पट्टा या पेटी। पहली लैनियार्ड जहाज पर पाई जाने वाली रस्सी या रस्सी से बनी साधारण पट्टियां थी और पिस्तौल, तलवार या सीटी और कंपास से बंधी हुई थी। इसका इतिहास वास्तव में 1500 सेंचुरी तक जाता है, जब फ्रांसीसी सैनिकों और समुद्री डाकुओं ने अपने हथियारों को हाथ में रखने के साधन के रूप में उनका इस्तेमाल किया था। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें अपने जहाजों पर चढ़ने या हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसकी जरूरत थी। पूरे वर्ल्ड वॉर टू में सैनिकों को अपनी यूनिफॉर्म में पिस्तौल अटैच करने के लिए लैनियार्ड का उपयोग करते हुए भी देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से लैनियार्ड अधिकारियों द्वारा पहनी जाती थी, ताकि वे एक व्यवहारिक तरीके से सीटी, कंपास, हथियार या अन्य वस्तु का इस्तेमाल किसी चीज को शुरू या अंत करने के लिए कर सके, जो लैनियार्ड के माध्यम से कंधे से जुड़ी हो और एक जेब के भीतर बंद हो। इससे ये पक्का हो जाएगा कि गिर जाने पर भी आइटम खो नहीं जाएगा। आज भी लैनियार्ड के बहुत ही फंक्शनल पर्पस है, पर वे बहुत अधिक सजावटी भी हो गई हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में लैनियार्ड का महत्व। भारतीय सेना में अधिकारियों का पद लेफ्टिनेंट से शुरू होकर जनरल के रैंक वाले सेनाध्यक्ष तक होता है, और उनके सेना में कमीशनिंग पर प्रत्येक अधिकारी को एक रेजिमेंट या कोर सौंपा जाता है, जिसकी अपनी विशिष्ट यूनिफॉर्म और रेजिमेंट या कोर बैज होता है। भारतीय सेना में यूनिफॉर्म उस रेजिमेंट या कोर पर निर्भर करती है जिसका कि वो अधिकारी होता है। इस प्रकार बैरे का रंग, लैनियार्ड बेल्ट का रंग और उस पर लगे बैज अलग अलग होते हैं। लैनियार्ड कॉम्बैट या सर्विस आर्म के अनुसार पहनी जाती है, जिसका एक सर्विसमैन होता है। जैसे कि सिख रेजिमेंट के लिए ये पीला है, ASC के लिए ये लाल है, वहीं पंजाब रेजिमेंट के लिए हरा इत्यादि। तो दोस्तों, फिलहाल आई होप आपको यहाँ तक की ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आप SSBCrack एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना चाहिए। इस ऐप में आपको रिटन एग्जाम्स और SSB इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेस मिलते हैं, जो आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करते हैं, और वहीं इस लर्निंग में आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम आपको बताते हैं कि आर्म ऑफ सर्विस के आधार पर लैनियार्ड को बाएं या दाएं कंधे के स्ट्रैप पर पहना जा सकता है। भारतीय सेना की वे यूनिट्स जिनका अतीत गौरव और असाधारण वीरता का रहा है, दाहिने कंधे पर लैनियार्ड पहनती है, और अन्य यूनिट्स बाईं ओर पहनती है। इसके अलावा आर्टिलरी की सभी यूनिट्स यानी पूरी रेजिमेंट इसे दाहिने कंधे पर पहनती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सेना में लैनियार्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। ये आमतौर पर सेरेमोनियल या नॉर्मल ड्यूटी ड्रेस का हिस्सा होता है। हालांकि गढ़वाल राइफल्स उन्हें अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म के रूप में पहनते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार अन्य लोग भी लैनियार्ड पहन सकते हैं। सिर्फ सर्विस पर्सनल ही नहीं, बल्कि NDA, IMA और OTA में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट्स भी लैनियार्ड को पहनते हैं। हर अधिकारी के लिए या हर सैनिक के लिए उसकी यूनिफॉर्म बहुत गर्व की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी सेना की यूनिफॉर्म में लैनियार्ड के महत्व के बारे में जानकारी, कि किस तरह से हमारे वीर सैनिक के यूनिफॉर्म पर लगी लैनियार्ड कितना महत्व रखती है। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनने का मन किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। वहीं अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी इन SSB बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।